भैया क्या कर रहे हो आप <laughs> मैं एक छोटा मॉडल तैयार कर रहा हूँ हमारे देश पांडे चाचा जी नया घर बांध रहे हैं तो वो घर कैसा दिखेगा इसका अंदाजा आना चाहिए इसलिए एक छोटा मॉडल बना रहा हूँ क्या उनका घर हमारे घर से बड़ा है आ, बड़ा ऐसे नहीं आ, देखो ये चार कमरे हैं ना हमारे इतने ही हैं लेकिन उनके घर के सामने और पीछे अच्छा आंगन है और दोनों बाजू में जगह भी है इसका मतलब है वो बहुत सारे पेड़ लगा सकते हैं <laughs> सही कहा तुमने ये चार खम्भे किस लिए है हाँ ये खम्बे है ना? उन्हें घर के परिधि में आहता बनाना है इसके लिए ये खम्बे है आहता बनाने के लिए चाचा जी को बड़ी लंबी तार लानी पड़ेगी कितनी तार लगेगी उनको हाँ बहुत बड़ी तार लगेगी लेकिन कितनी लगेगी ये नापना खूब आसान है अनविता मुझे बताओ कि ये आकार कौन सा है चौरस आकार बराबर यानी घर की चार बाजूएं समान लंबाई की हैं इनके कुल मिलाकर जोड़ करने से हमें क्या मिलेगा जितनी तार लगेगी उसकी लंबाई शाबाश अगर हम तार के अलावा धागे से मॉडल के चारों बाजुओं में कितनी तार लगेगी इसका अंदाजा लगा सकते हैं चलो अब हम धागा लेते हैं अभी इस खंभे से शुरुआत करेंगे हम्म यहां पर उंगली रखो हां ये देखो एक ये बाजू इस खंबे से उस खंबे तक ये दूसरी ये तीसरी और ये चौथी बाजू अभी हमने चारों बाजुओं से धागा घुमाया और पहले खंबे के पास आ गए बराबर है इसका मतलब है इस प्रकार के चार चारंभों के आजू बाजू अगर हमने तार लगाई हाँ। इतने बड़े घर को इतनी सी तार बस होगी प्रमुख दरवाजा है वहां तार नहीं लगेगी अरे नहीं आप सबको समझाने के लिए यह धागा हमने इस्तेमाल किया है ये घर का मॉडल है इस कारण इतना ही धागा हमें लगा प्रत्यक्ष रूप में ये अहाता बड़ा लंबा होने वाला है अभी कितनी तार लगेगी ये नापने के लिए और एक आसान पद्धति है लेकिन यह नापने के लिए बहुत वक्त लगेगा ना नहीं मुझे ये बताओ कि इस गत्ते का आकार कैसा है चौरस आकार यानी सभी बाजूएं समान है तो एक बाजू नापनी है और उसे चार से गुना करना है तब कुल मिलाके कितनी तार लगेगी ये हम जान जाएंगे ये देखो जैसे किताब की इस बाजू को लंबाई और उस बाजू को चौड़ाई कहते हैं बराबर है ना लंबाई चौड़ाई तथा हम अहाते के चारों बाजुओं का जोड़ करें तो परिमिति मिल जाएगी जोड़ाई से जो मिलता है उसे परिमिति कहते हैं परिमिति यानी एकाद बंद आकृति की सभी बाजुओं का जोड़ लेकिन भैया अहाते में गाय और बकरियां नहीं आएंगी क्या पत्ते खाने अगर इसका बंदोबस्त करना है तो अहाते का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा अभी अनविता तुम बताओ कि इसके लिए कितनी तार लगेगी हमने चारों बाजों के लिए जितनी नापी है उससे दुगनी बराबर अब मुझे अभी इस गत्तों की परिमिति निकालनी है ईशान तू ये गत्ता ले अनविता तुम ये गत्ता लो अभी इस गत्तों की परिमिति निकालिए यानी मैंने आपको जो धागा दिया है उस धागे की लंबाई ठीक है चलो नापो है। अरे तुम्हारा धागा दिखाओ अरे तुम्हारे धागे की लंबाई मेरे धागे से ज्यादा है यानी तुम्हारी फरश के चार बाजुओं का जोड़ा मेरे फर्श के बाजुओं के जोड़ से ज्यादा है बराबर एकदम बराबर लेकिन भैया अगर धागा ना मिला तो धागा नहीं होगा तो ठीक है एक काम करेंगे आपके पास पेंसिल का बक्सा है मेरी सालगिरह के दिन मुझे मिला है अच्छा तो लाओ लाता हूँ अरे ईशान अलमारी से एक हैंगर भी लेके आना हाँ हाँ लाता हूँ हाँ हाँ ये लो हाँ अब एक बक्सा तुम लो अब इसमें जो पेंसिल है उसके आधार से हम इस गत्ते का परिमाप निकालेंगे ठीक है हाँ चलेगा छह पेंसिल हाँ और आपको कितनी पेंसिल इस्तेमाल करनी पड़ी चार पेंसिल यानी हमने पेंसिल के रूप में परिमिति नाप ली लेकिन सबकी सुविधा के लिए ये अंतर नहीं रहता इसीलिए सेंटीमीटर अथवा मीटर में नापते हैं इसलिए हम इस नाप पट्टी का उपयोजन कर सकते हैं तो ले लो ये नाप पट्टी और नाप लो ये बाजू अठारह सेंटीमीटर है बाजू भी अठारह सेंटीमीटर है यानी कुल मिल के बहत्तर सेंटीमीटर बहुत खूब उसे दे दो ये बाजू है उन्नीस सेंटीमीटर और ये है पैंतीस सेंटीमीटर कुल मिला के 108 सेंटीमीटर बहुत खूब ये हैंगर क्यों मंगवाया क्या इसकी भी परिमिति निकाल सकते हैं हाँ अरे ये हैंगर यानी एक त्रिकोण ही है देखो त्रिकोण की भी परिमिति निकाल सकते हैं परिमिति यानी सभी बाजुओं का जोड़ बराबर अब इस त्रिकोण की परिमिति नापो 20 सेंटीमीटर बाजू है 36 सेंटीमीटर और ये फिर से 20 सेंटीमीटर ये 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर मतलब छहत्तर सेंटीमीटर बहुत खूब भैया परिमिति का उपयोग कहाँ कहा करते हैं जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ उपायोजन कर सकते हैं देखो अभी ये रुमाल है इसकी सभी बाजुओं में लेस लगानी है तो परिमिति निकाल के लेस की लंबाई निकाल सकते हैं एक हाथ बक्सा होगा तो बाजू से कितनी गम की पट्टी लगेगी तो परिमिति का उपयोग होता है बगीचे में घूमने का रास्ता याद है हा? एक फेरा लगाया तो हम कितने घूमे ये परिमिति से मालूम पड़ता है अरे भैया ने किला बनाया था ना और उसके आजू बाजू ईट का आहाता बनाया था कितनी ईंटें लगेंगी ये परिमिति निकाल कर ही तय किया था भैया ने मुझे बताया था <laughs> अरे हाँ तुझे याद है वो किला हाँ हमने बहुत सुंदर रंगोली निकाली थी उसके सामने भैया लेकिन बगीचे का चलने का रास्ता और किले का अहाता चार कोनों का नहीं था थोड़ा तिरछा था उसकी भी परिमिति निकाल सकते हैं चारों बाजुओं के लंबाई को मिलाकर वो बाजुए तीन या चार तथा और भी ज्यादा हो सकती हैं। ये परिमिति नापने के लिए बंद आकृति चाहिए ये देखो इन तिनको के माध्यम से इन पेंसिल्स का इस्तेमाल करके हम ये सीखते हैं और आकार U और V ऐसा होगा तो परिमिति नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये बंद आकृति नहीं है परिमिति यानी एकाद वस्तु का तथा आकार के आसपास का कुल अंतर या पेंसिल्स का इस्तेमाल करके धागे का इस्तेमाल करके ईंट की सहायता से तथा पट्टी का उपयोजन करके सेंटीमीटर में नाप सकते हैं समझ में आया चलो अब मेरा ऑफिस का वक्त हो गया है हु? लेकिन पाठशाला से जो तुम्हें गृहपाठ पाठ मिला है उसे तुम दोनों पूरा करोगे ठीक है चलो ये हम कल करते हैं पूरा हमने क्या सीखा चतुष्कोण त्रिभुज चौरस तथा अन्य बहुभुजाकृति आकृतियों की परिमिति यानी सभी बाजुओं का जोड़ रहता है करके देखिए चित्र में सलाई इस्तेमाल करके आकार निकाला है परिमिति नापिए। पहली आकृति में देखा तो दस सलाइया परिमिति है इस ग्राफ पेपर पर बहुत छोटे चतुष्कोनी होने वाले कागज पर कुछ आकृतियां निकाल ली उनकी परिमिति नापी है परिमिति नापने का एकक रेखा मानेंगे पहले की परिमिति अठारह रेखाएं कॉपी में यह आकृति खुद निकालिए और दोस्तों को परिमिति नापने के लिए कहिए। ऐसे आकार खुद निकालिए और दोस्तों को परिमिति नापने के लिए कहिए। आलेख का कागज होगा तो उस पर आकृति निकालिए पट्टी का उपायोजन करके आकृति की एक बाजू सेंटीमीटर में नापिए सभी बाजुएं नापने के बाद परिमिति नापिए आप घर से त्रिभुज चतुर्भुज पृष्ठभाग होने वाली पांच वस्तु निकालिए हर एक का परिमाप पट्टी से नापिए टेनग्राम की गत्ते पर काटिए, काटी हुई आकृति इस्तेमाल कर कृति कीजिए सबसे बड़ा त्रिभुज तैयार कीजिए और उसका परिमाप पट्टी की सहायता से नापिए अपूर्ण संख्या आएगी तो आगे वाली संख्या पट्टी पर नापिए कौन सा भी पसंदी प्राणी बनाकर यह प्राणी कागज पर लेकर